अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर के संजय पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कि जो कोविड का भी एक नैरेटिव दिखाया जाए, तो इसे ऐसा कांग्रेस की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा को डर कर ये कोविड का ला रहे हैं। आपके पार्टी के इजलास में, जुलूस में तो कभी कोविड नहीं आता, कांग्रेस के इसमें आता है क्या ऐसा इल्ज़ाम? क्या हम चाइना में कोविड फैला रहे? अगर हम भारत जोड़ो यात्रा को डरते तो फिर क्या चाइना में कोविड कहाँ से आया? वो क्या राहुल गांधी को डर के चाइना में कोविड आया? चाइना की हालात देखकर ये स्प्रेड ना हो जाए, इसलिए ये प्रिकॉशन के तौर पे ले रहे हैं। और राहुल गांधी जी का असर कितना होता है देश में, ये सारी दुनिया जानती है। राहुल गांधी जब तक है तब तक उल्टा बीजेपी ज़्यादा मजबूत होगी। सर, भीड़ तो इकट्ठा हो रही है। भीड़ क्या, अभी आप भी भीड़ बना सकते हैं। 100-200 रुपये बांटते हुए लोग आप वीडियो पर देख रहे ऐसे। हाँ, लेकिन हमें राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से ना हमें कोई लगाव है ना नफरत है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डरने जैसा कोई माहौल है भी नहीं। सर, ये उमूमन इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बीजेपी की तरफ से जो है तरक्कियाती काम, डेवलपमेंट के काम नहीं होते, इसलिए हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ा जाता है और मामला सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जाता है। जैसे कर्नाटक में भी हमने देखा कि मस्जिद आला श्रीरंगपट्टन में, तो इस तरह के कई मामले जो है देखे जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर जी, आप बताइए, 7-8 साल हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के, कौन से किसी मुसलमान भाई को क्या तकलीफ हुई है या होगी भी नहीं? वसुधैव कुटुंबकम करके हमारा नारा है, मतलब पूरा विश्व ही परिवार मानते हैं। हम विश्व की बात करते, विश्व को परिवार मान रहे, और हिंदुस्तान का मुस्लिम भाई हमारे परिवार से अलग हो सकता है क्या? वो हम उल्टा कहेंगे कि कांग्रेस वाले मुसलमान के वोट हमारे से दूर ना हो जाए, उस डर के कारण वो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी को मुसलमान भाइयों की नज़र में विलन बनाने। सर, एक बहुत अहम सवाल पूछूंगा सर, जैसा आप भी मराठी हैं, तो खासकर शिवाजी महाराज को लेकर जो कोश्यारी ने एक जो स्टेटमेंट दिया था लास्ट टाइम महाराष्ट्र के, फिर उसके बाद भाजपा के ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सावरकर के बारे में बात करते करते हुए कि 5 बार माफ़ी शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब के पास मांगी, उस पर आवाज़ क्यों नहीं? क्या जब एक कोई मुसलमान स्टेटमेंट देता है तभी आवाज़ उठाई जाती है? देखिए, शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान है, हिंदू बांधव के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शिवाजी महाराज जी का अपमान हो और हम मतलब देखते रहे। भाजपा खामोश रही है? कहाँ खामोश है, या देखिए कैसे है, बात के क्या बोलते हैं, जैसे चंद्रकांत पाटिल जी का भी एक मैटर हुआ, ज्योतिराव फुले और इन्होंने भीख मांगकर कॉलेज खड़ा किया, इसका मतलब क्या है कि ये अच्छे काम के लिए वहाँ उस वक्त के राष्ट्रपुरुष कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन अच्छा काम हो। भीख मांगने का मतलब एक कहावत रहती है ना कुछ बोलते समय, वैसे उस अंदाज में बात किया और कांग्रेस वाले या राष्ट्रवादी शिवसेना वालों ने उस बात का बतंगड़ बनाया। ठीक कोश्यारी जी का और सुधांशु जी का भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ कोई भी राष्ट्रपुरुष हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति ना बनते, वाजपेयी जी ने बनाया था, उनके कार्यकाल में हुआ था। ये सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। सर, एक बेलगाम शहर के ताल्लुक से अगर सवाल पूछा जाए, तो पार्वती नगर की एक मस्जिद को वो गैर कानूनी कहकर गिराने की कोशिश की गई थी, आपके MLA अभय पाटिल भी वहाँ गए थे, तो क्या एक अमन शहर के अमन को किसी तरह से फिर से एक तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक कैसा होता है, कुछ तो घटनाएं होती है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को फ़ोन करके बुलाया जाता है। वहाँ जाने का मतलब हम किसी के साथ है या किसी के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं। आपने हमें बुलाया तो वहाँ जाकर परिस्थिति का मुआवजा करना ज़रूरी होता है। जो सच रहेगा, जिसका मतलब सही रहेगा, उसका साथ देना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे बात कौन सी भी हो। अगर गलत है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोलना है, सही है तो कानून से बढ़कर कोई नहीं। सर,
चाहे हिंदुओं के लिए हो, मुसलमान के लिए हो, ईसाई के लिए हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के इंसान के लिए, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख के रखा है उस संविधान के हिसाब से देश चलता है और कानून के हिसाब से सारी घटनाएं होती है। कानून छोड़कर यहाँ कोई बड़ा नहीं है। बिल्कुल, आपने अभी संविधान की बात की तो संविधान की ही बात कहूँगा, जो हिंदू राष्ट्र का एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, तो इस पर अब आप क्या कहेंगे सर? देखिए, एक मैं कहता हूँ कि हिंदू अभी मुसलमान राष्ट्र भी बहुत है, इस्लाम राष्ट्र बहुत सारे हैं, इसका मतलब वहाँ कोई हिंदू रहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए अगर सबसे ज़्यादा संख्या होने वाली देश अगर कौन सा है तो वो हिंदू भारत है। तो ये हमारी भावना है कि हम ज़्यादा मात्रा में हैं, इस्लाम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है इस विश्व में, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, तो हम यहाँ ज़्यादा संख्या पे है, हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करो करके कुछ हिंदू। लेकिन ये संविधान जो है, संविधान तो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, तो फिर ये एक ही धर्म के बारे में बात करना कहाँ तक मुनासिब है? नहीं नहीं, इस देखिए मांगना कुछ गलत नहीं ना। अभी यहाँ बहुत सारे ये चल रहे, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, फिर मांगना गलत है क्या? संविधान में कहाँ कहा कि एक को रिजर्वेशन दे दो और एक को मत दो? फिर वो भी बात निकल सकती है। मांगते हैं, मांग रखना बुरी बात नहीं। चार बच्चे हैं एक माँ के पास, माँ के सामने कोई जिद करता है, माँ समझाती है, वैसा ही देश का। लेकिन बच्चा गलत मांग भी तो कर रहा है, ऐसा लगता नहीं है? आप गलत कैसे बोल सकते हैं? अगर मैं अपनी शादी करूँ, ये संविधान की रूह है ना सर, सर्वधर्म समभाव एक संविधान की रूह है, और इसी को जो है हिंदू का मतलब जाति से जुड़ी मत, हिंदू मतलब हम हमेशा कहते हैं कि जीवन पद्धति, भारत की एक जीवन पद्धति है। भारत का मुसलमान भी हमारे लिए हिंदू है, ऐसे हम मानते हैं। मुसलमान भाई अपना कुरान पढ़े, रमज़ान ईद जो उसके परम्परा है, उसके जो चलते आए हैं कुछ रीति रिवाज जिसे बोलते हैं, उसके हिसाब से वो ज़िंदगी जिए। लेकिन जिस देश में रहता है उस देश में अगर कहा कि ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुओं की भावनाओं का कदर करो, उसमें कोई मुसलमान के भाइयों का गलत कुछ कहा नहीं। या हम देखिए, हम पाकिस्तान में जाकर हिंदू राष्ट्र मांग सकते हैं क्या? सऊदी अरेबिया में जाकर हिंदू राष्ट्र मांग सकते हैं क्या? या हिंदू बड़ी संख्या में वो मांग रहा है, दिया तो नहीं अभी सर। अभी हाल ही में शाहरुख खान की पठान को लेकर भी जो है एक हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि भगवा रंग को ही बेशरम रंग कहा गया, जबकि गाने में तो ऐसा कहा नहीं गया, तो ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है? क्या फिल्में भी टारगेट की जाए? देखिए, मैं नहीं कहता, आपके एक मुसलमान भाई मौलाना जी का मैंने एक वीडियो देखा है, उन्होंने भी उसका विरोध किया है कि पठान ऐसे नहीं रहते। वो क्यों नहीं आप बोलते? पठान ऐसे टी शर्ट जीन्स पहन के घूमते हैं, मुझे दिखाइए। या पठान की बीवी या जिसे वो प्यार करता है वो ऐसे कपड़े में घूमती है क्या? मुझे एक एग्जांपल दिखाइए। मौलाना का स्टेटमेंट अपनी जगह पर सर, ऐसा क्यों? आप अपने आपको जो चाहिए वो स्टेटमेंट। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये पूरी तरह से एक मुनज्जम तरीके से इसको बात है ना, पठान नाम पठान दिया है, फिर पठान को पेश करो यार, वो पठान लगते ही नहीं किसी भी अंदर। लेकिन आप जो है इसका फिल्म का डायरेक्टर संगीतकार सभी हिंदू हैं, लेकिन एक्टर को क्यों टारगेट किया? वो तो 100 करोड़ लेके अपना काम कर रहा है, उसे भी सोचना चाहिए कि मैं किसी के भावनाओं को टेस्ट ना पहुँचे ऐसे में काम करूं। शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार किसने बनाया? हिंदुस्तान के सभी 100 करोड़ आबादी ने बनाया ना, फिर सबकी भावनाओं की कदर करना भी शाहरुख भाई की जिम्मेदारी है। इससे पहले भी पीके को भी इसी तरह से आमिर खान को निशाना है, उस राजकुमार संतोषी ने फिल्म बनाई थी। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को टारगेट करने के बजाय एक्टर को क्यों? क्या एक्टर से मकसूद धर्म से ताल्लुक रखता है इसलिए? नहीं नहीं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को टारगेट करना कैसे होता है? वो फिल्म रिलीज हो के आती है तो सितारों को एक सबक देना है कि आप भी जब फिल्म साइन करते हो तो भारत के 150 करोड़ आबादी की भावनाओं की कदर करो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। सर, इस बार आप कंटेस्ट कर रहे हैं ग्रामीण से? हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, जीतने की कितनी उम्मीद है सर? 100% उम्मीद है कि जीतूंगा। कैसे है, पिछली बार भी वो जीत कैसे, वोट से जीतो तो बात अलग है, खरीद कर जीतना वहाँ तो पूरा बिजनेस हुआ था। तो बीजेपी तो सर बने बनाए एमएलए को ही खरीद लेती है, तो सर ऑपरेशन कमल के जरिए। आप कहते हैं वैसे, कोई अगर घर छोड़ के खुद आ रहा है, हमने तो जबरदस्ती ना उसके सर पे रिवॉल्वर रखा है ना उसको उठा के लाए, वो हमारे घर पे आता है और बोलता है कि मुझे आपके घर में आना है, हम ना बोलने के लिए थोड़ी बैठे, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय पाटिल साहब, लिहाजा उन्होंने जितने भी सवाल किए उस पर उन्होंने जवाब देते हुए अपनी बात को रखा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।